whenever we सी a मूवी we कनेक्ट आर सेल्फ डायरेक्टली और with विद द मूवी बट जब कोई मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बनती है बहुत कम लोग हैं जो उस मूवी से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं वैसी ही मिक मूवी है वन ये है नीरजा ऑन फिफ्थ सेप्टेम्बर नाइनटीन एटी सिक्स जब पैन ए एम अमेरिका सेवेंटी थ्री की फ्लाइट पाकिस्तान से उड़ने वाली थी तभी चार हाईजैकर्स ने उसको हाईजैक कर लिया इट वॉज लाइक एंड

फिफ्थ सप्टेम्बर राधा कृष्ण का बर्थडे जो है वो टीचर्स डे कहते हैं तो so, मैं उस वक्त बी कर रही थी तो आ, मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी चली गई थी वहाँ पे कोई प्रोग्राम था तो दिन भर वहीं बिताया फिर जब मैं साढ़े नौ बजे रात को वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे फादर इन लॉ मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे टी को घूर रहे हैं और समझ में नहीं आया कि ये इतना सीरियस फेस लेके क्यों बैठे हुए हैं तो मैं तो अपनी बहन को बॉम्बे एयरपोर्ट छोड़ के आ गया वापस पूना आ गया फिर अगले दिन पेपर में देखा कि वो प्लेन हाईजैक हो गया मतलब हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ गया है उड़ा है या नहीं उड़ा है ये साफ नहीं था आफ्टर वी लैंडेड एट कराची सिक्योरिटी वैन केम नियरा प्लेन विथ फोर सिक्योरिटी गार्ड्स ऑन इट And and they 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 entered entered, a plane as as soon as they entered, they started shouting, hands up, hands up, up, don't move. move, If you move, you are dead. That's how we came to know that our plane is hijacked. देर तक हम लोग न्यूज देखते रहे कि क्या पता चलता है लेकिन वो उस, उस वक्त सिर्फ वो दूर से प्लेन दिखा रहे थे केवल और कुछ तो पता नहीं चल रहा था उस वक्त अंदर तो कोई रिपोर्टर जाता नहीं तो अंदर क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं पचास लोग मारे गए ऐसा आया पेपर में

तो वो डर गए फिर उन्होंने क्या किया वो फर्स्ट क्लास के सारे पैसेंजर्स को नीचे बुलाया और जहाँ जहाँ सीट खाली थी उनको वहाँ बिठाया और जो सीट खाली जिसको नहीं मिली खाली सीट उनको ज़मीन पे आइल में बिठा दिया वो हर जगह अपने आप आपस में बात कर रहे थे इन सम लैंग्वेज वी डेंट अंडरस्टैंड दे वे नॉट टॉकिंग हिंदी इन इंग्लिश आफ्टर दैट वी डिन सी एयर होस्टेस ऑल्सो तो हमको लगा वो कुछ अनाउंसमेंट करेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया एंड विदाउट एनी वार्निंग उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेड से शूटिंग शुरू कर दिया इन साइड द प्लेन तो जो लोग एकदम सामने के रो में बैठे थे उनको गोलियां लग गई जो आइल में बैठे थे उनको भी गोलियां लग गई एंड वी सॉ दो पीपल एक्चुअली डाई इन फ्रंट ऑफ अस अबाउट ट्वेंटी टू ऑफ देम डाइड एक तो मेरी बहन का जो एक पैसेंजर ड्रॉप आउट हो गया इसलिए उसको ऐड किया था उसमें इस वजह से उसका मैनीफेस्टो में नाम ही नहीं था और फिर पेपर में देखा तो पचास लोग मर गए ऐसे आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में तो नेचुरली हम लोग घबरा गए पूना फ़ोन किया जिसको जिसको लगा कि कोई कुछ न्यूज़ मिलेगी उन लोगों को फ़ोन किया लेकिन कहीं न्यूज़ कोई नहीं मिली तो जी, जैसे अंदर गोलियाँ चल रही थी उसके हिसाब से ये एस्टिमेट आया होगा पचास आदमी मारे गए या सौ आदमी मारे गए और जब सौ की, की फिगर आई पेपर में तो मम्मी डैडी तो रोने लग गए तो उस वक्त यही दिमाग में चल रहा था कि फिर हम अपने फैमिली को मिलेंगे कि नहीं इसमें से हम जिंदा बाहर निकलेंगे कि नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा माय हस्बैंड आल्सो मस्ट बी वाचिंग द न्यूज़ इन यूएस ही वाज ऑलरेडी देयर माय फैमिली इन बॉम्बे एंड पूना आल्सो वे वाचिंग द टीवी न्यूज़ ऑल द टाइम अब हाउ टू कैसे पता चले कि क्या हो रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से आ नहीं रही है या अखबार में से टाइम्स हो, एक्सप्रेस कोई भी हो अखबार में से उसके अलावा और कोई और वो भी अखबार में जो इन्फॉमेशन आ रहा है बाहर से ही आ रही है क्योंकि कोई अंदर जाके देखने वाला तो है नहीं किसी रिपोर्टर की हिम्मत इतनी है नहीं कि अंदर जाके देखेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जब तक न्यूज़ उसके वहाँ से ना आए तब तक तो हम लोग ऐसे सस्पेंस में ही थे दुखी थे सस्पेंस में ही थे अब इस टाइम तक पूरी बत्ती भी चली गई थी और वी वर ऑल गैसपिंग ब्रेथ हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि ऑक्सीजन कम कम पड़ रहा था एसी बंद हो गया था लाइट्स नहीं थे शूटिंग चल रहा था सारा प्लेन में धुआं धुआं हो गया था तब मैं इस आदमी के साथ जो मेरे साथ बैठा था उसने बोला एक छोटा दरवाज़ा है अपने पास वहाँ से बाहर जाते हैं तो मैं उसके साथ बाहर चले गई उसके पीछे पीछे एंड वेन आई वेंट आउट फ्रॉम दैट डोर आई रियलाइज दैट वी वर ऑन द विंग ऑफ द प्लेन हम पंख पे थे एरोप्लेन के एंड ऊंचाई काफ़ी थी तो दो मिनट के लिए तो सोचते रह गए कि अब क्या करें वापस अंदर जाना तो मुश्किल था क्योंकि वो है दरवाजे के पास खड़ा था वो अपना बेल्ट बदल रहा था बुलेट्स का उतने में हम बाहर चले गए लेकिन वापस जब आए तो वो भर चुका होगा तो हमको गोली भी मार सकता था सो देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक इन द प्लेन तो जिस आदमी के साथ मैं बाहर गई थी मैंने उसको कहा अब यहाँ से कूदना है बस देर इज़ नो अदर चॉइस वी हैव एट द मोस्ट विल ब्रेक हाथ पैर कुछ टूटेगा वो मरेंगे तो नहीं तो इसे नहीं नहीं मैडम बहुत हो जाइए मैंने कहा ठीक है चलेगा बट विल जम्प तो मैं तो कूद गई आई डेंट सी दैट मैन अगेन लेकिन एक मैं इसकी हिम्मत की दात दूंगी एक तो सेकेंड फ्लोर के हाइट से कूदना मतलब अच्छे अच्छे लोग भी डर जाएँ एंड दूसरी बात ये है कि वो अपनी पर्स ले कूदी मतलब पैनिक में लोग जितना हल्का हो सके ताकि हाथ ज़मीन पे लगा सकें अपने आप को बचा सकें ऐसा कुछ नहीं अपना पर्स या हैंड लगेज वगैरह सब ले वे के <laughs> कूदी वो कोर्स उसको उसकी वजह से चोट लगी क्योंकि वो मुंह के बल गिरी जो इट्स रियली वेरी ब्रेव एंड वेरी करेंजर सफ़र टू जंप ऑफ दैट कूदने के बाद आई आई सैट दे फॉर मिनट आई ट्राइड टू गेट अप एंड रन Towards the terminal building, but I could not stand, also. My feet were simply shaking with fear. After I sat down, I realized there were lots of people who had come out of the plane through the emergency chutes, and it was a horrible scene where people were all injured and bleeding, crying. The hijackers also tried to mix with the passengers and run away, but the passengers pointed them out and दे वे कॉट ऑल द फोर हाइजेक वे कॉट जब मैं मेन बिल्डिंग में गई तब मेरे ध्यान में आया कि मेरे कपड़े सारे खून से भरे हुए थे मेरा नाक फूट गया था मेरे चेहरे पे काफ़ी दांत जगह से हिल गए थे सारे गम्स में काफ़ी इंजरी हो गई थी मेरे दोनों एल्बोज को चोट लगी थी मेरे दोनों घुटनों को चोट लगी थी बट फॉर्चुनेटली एक भी हड्डी नहीं टूटी मेरी एक डॉक्टर ने मेरा नाक भी सिल के दिया उसने उसने काले धागे से मेरा नाक सिला स्टरलाइज भी नहीं किया था वो धागा हम सबको नींद की गोलियां दी थी लेकिन अफकोर्स उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि नींद तो लगी नहीं आसपास की सब औरतें हॉस्पिटल में कि मुझसे आके बात कर रही थी कि आप लोग आपको क्या हुआ कैसे हुआ हमने ऐसे ऐसे सुना आप हिंदू हैं क्या ये सवाल बहुत लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में पूछा हमको पूछा उन्होंने कि तुमको इधर ही रहना है या आपकी तबीयत कितनी अच्छी है कि आप हॉस्पिटल होटल में जा रह सकती हैं क्या आके लिए तो हमने बोला हाँ मैं जा सकती हूँ क्योंकि होटल में जाने का मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था क्योंकि वहाँ से मैं सबको फ़ोन कर सकती हूँ मेरे डैडी को मेरे हस्बैंड को कि बाबा मैं ज़िंदा हूँ सो आई वॉज़ वेरी कीन कि मैं होटल जा कर रहूँ और मैं सबको कॉन्टैक्ट कर सकूँ वहाँ से सो so, तीसरे दिन में एक्चुअली आई वेंट टू शेरेटन होटल इन कराची डैडी को फ़ोन किया पूना में जो रहते हैं उनको फ़ोन किया उनसे बात की मेरी आवाज़ सुन के फिर मेरे डैडी के दिल में ठंडक पड़ी कि हाँ बाबा ये जिंदा है उसके बाद पिताजी ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि हाँ वो जिंदा है और वो कराची में है तो मैंने डिसाइड किया था अमेरिका नहीं जाना है मुझे मैं तो वापस हिंदुस्तान जाऊंगी अपने लोगों के पास लेकिन मेरे हस्बैंड का फिर फ़ोन आया कि तुम ऐसे मत करो एक बार तुम वापस चली जाओगी तो डर जाओगी यू विल नॉट सिट इन अ प्लेन अगेन यू विल गेट दैट फ्राइट कुछ देर बाद दोबारा फ़ोन किया बोला कि मैं वापस नहीं आ रही हूँ मैं आगे कंटिन्यू हो रही हूँ मैं टैक्स जा रही हूँ जहाँ मेरे पति हैं मैंने कहा अच्छा बड़ी हिम्मत है the motivation for me to jump off the plane was from my brother and who sent me a very funny postcard when I was in Houston and on that there was just one sentence, Bach gai sali. <laughs> and he called me Lady Hawk because I had a plaster on my nose. जाते जाते मैंने उसको कहा कि अगर तुम्हारा plane hijack हो गया तो और मैंने उसको जवाब भी ऐसा दिया कि अगर जिस देश में वो लेके जाएंगे हाईजेकस तो एक नया देश देख के वापस आ जाऊंगी आई रिटर्न टू इंडिया नियरली आफ्टर अ मंथ आई केम बैक इन अक्टूबर लेकिन वो दिवाली मुझे बहुत हॉरेबल uh, याद दिलाती थी क्योंकि पटाखे बजते थे तो मुझे गन शॉट्स की याद आती थी ये पिक्चर तो मुझे देखनी ही थी बिकॉज आई हैड बीन थ्रू द होल थिंग माई सेल्फ और uh, मैंने देखी भी ड्यूरिंग द मूवी आई फेल्ट आई एम लिविंग द नाइट वेयर अगेन मेरे उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और काफ़ी सच्चाई के करीब है दो तीन छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो कि uh, मुझे नहीं लगता वो ऐसे थे हुए थे इन रियलिटी लेकिन लाइक फॉर इंस्टेंस एकदम शुरू में जब हाई प्लेन में चढ़े तो दे केम इनसाइड द प्लेन एंड देन वी न्यू दाई जैकस बिकॉज दे शॉट इन एयर एंड ऑल दैट और दूसरी बात खाने पीने को हमको कुछ भी नहीं दिया जो कि इस पिक्चर में दिखाया है कि उसने पानी दिया या बिस्किट्स दिए और वट एवर बट वी डेंट गेट एनीथिंग एट ऑल होल प्लेन वॉज इन डार्कनेस दे वॉज शूटिंग गोइंग ऑन इन साइड दे सो मच ऑफ स्मोक इन साइड वी वे गैसपिंग फॉर ब्रेथ हमको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी तो ऐसे वक्त में एवरीबडी बडी वॉज थिंकिंग ऑफ एस्केपिंग समहो अध और इस भीड़ भाड़ में हम मीरजा कहाँ है क्या कर रही है हम ये नहीं सोच रहे थे वी डेंट इवन सी हर एट दैट टाइम वी वर ओनली लुकिंग टू एस्केप फ्रॉम दैट हॉरर सो जो जो इमरजेंसी दरवाजे के पास बैठा था उन्होंने फटाफट दरवाजे खोलने शुरू कर दिया ऐसे ही एक दरवाज़ा निर्जा ने नी खोला था और उसको गोली मार के ख़त्म कर दिया शी वॉज वेरी वेरी नॉर्मल लाइक एनी अदर एयर होस्टस क्योंकि शुरू में जब हम बॉम्बे से फ्लाई किया हम लोगों ने तो इट वॉज like अदर other flight वेरी नॉर्मल और हमने ज़्यादा बाकी एयर hostesses को तो देखा ही नहीं और निर्जा को भी बहुत कम देखा सिर्फ अनाउंसमेंट्स करने आ रही थी तभी देखते थे उसको अगर हाई जैकर्स मेरे हाथ में सौंपे जाते तो उसमें दो राय नहीं है कि उन्हें मार ही डालना चाहिए बिकॉज जो दूसरे की जान लेता है उसको मार ही देना चाहिए ये तो मैं ऐसा ही समझती हूं दैट्स व्हाट दे डिजर्व आफ्टरKilling 22 innocent people right in front of us देयर इज नो क्वेश्चन दैट आई डू एनीथिंग एल्स विद देम जस्ट किल देम स्ट्रेट दैट्स ऑल अगर हाईजैकर्स मेरे हाथ में दे दिए जाते तो मैं उन्हें गब्बर सिंह के हवाले कर देता वो पूछते कितने आदमी थे चार अच्छा तुमने बहुत लोगों को मारा अब तुम गोली खाओ अब गब्बर सिंह क्या करता है ठाए, ठाएं जैसे कालिए को मार दिया वैसे उनको मार देता वो। गब्बर सिंह गब्बर सिंह वाला ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट